السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي हर किस्म की हम्द सना उसी अल्लाह रब्बुल आलमीन के लायक और ज़ेबा है जो जिनों और शैतानों का खालिक है। लाखों दुरूद व सलाम हो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आपको जहां इंसानों की तरफ नबी बनाकर मबऊस किया गया वहीं पर जिनों की तरफ भी आपको नबी बनाकर मबऊस किया गया। हाज़रीन, आज की इस मजलिस में हम इंशाअल्लाह जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो मौजू है जिन्नात और उनकी हकीकत। हाज़रीन, जहां अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार मखलूकात पैदा फरमाया है वहीं पर तीन मखलूकात बहुत ज्यादा मशहूर हैं जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अक्ल अता फरमाया है। एक मखलूक वो जो नूर की बनी हुई है जिनको मलाइका कहा जाता है और दूसरी मखलूक वो जो नार से बनाई गई है यानी आग से बनाई गई है वो हैं जिन्नात और शयातीन, और तीसरी मखलूक खाकी है यानी जिसको मिट्टी से पैदा किया गया है और वो है हजरत इंसान की शक्ल में। आज हम जिन्नात के सिलसिले में कुछ बातें अर्ज करने की कोशिश करेंगे। हाज़रीन, लफ्ज़ जिन का इस्तेमाल हम कसरत से सुनते रहते हैं और उसके बारे में तस्किरा करते भी रहते हैं, चलिए आज हम इसी सिलसिले में अपनी मालूमात को आगे बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं। जिन एक अरबी लफ्ज है जिसके माने छुपे हो, छुपा हुआ होना, पोशीदा होना और नजरों से ओझल होना, और इसी से जनीन बना है यानी वो बच्चा जो मां के पेट में हुआ करता है और मां के बतन में हुआ करता है और लोगों की नजरों से छुपा हुआ रहता है, इसीलिए उस बच्चे को भी जनीन कहा जाता है यानी छुपी हुई मखलूक। और इसी तरह मिजन्ना का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। मिजन्ना का मतलब यह है कि जैसे जंग के मौके पर आदमी अगर तलवार से लड़ रहा हो तो सामने वाले दुश्मन के वार से बचने के लिए अपने आप को ढाल का इस्तेमाल करता है और अपने आप को ढाल में छुपा लेता है, सामने वाले के वार से बचने के लिए सामने ढाल लाकर अपने आप को छुपा देता है, इसलिए उसको छुपाने वाला आला यानी मिजन्ना कहा जाता है। हाज़रीन, ये जिन की जो मखलूक है अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान से पहले पैदा फरमाया चुका था। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से पहले इस मखलूकात की तख्लीक हो चुकी थी और जिन जब नाफरमान बन जाता है, सरकश बन जाता है, उसी को शैतान कहा जाता है, और नाफरमान बन जाता है और ज्यादा सरकश बन जाता है तो इसको मारिद कहा जाता है, और फिर यही और अपनी सरकशी को बढ़ा दे, इंतहाई दर्जे की उसके अंदर सरकशी पाई जाए तो उसको इफ्रीत कहा जाता है। तो इसके कई मराहिल हैं, शैतान और मारिद और इफरीत, इसके अलग अलग दर्जात हैं। छोटा नाफरमान तो उसको शैतान कहते हैं और जरा नाफरमानी में आगे बढ़ जाए तो उसको मारिद कहते हैं, और फिर आगे वो नाफरमानी में बढ़ जाए उसी को हम इफरीत के नाम से याद करते हैं। हाज़रीन, आपने देखा होगा
जिन और शयातीन, जिन और शयातीन का लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिन और शैतान में क्या फर्क है? जिन जैसे इंसान होता है, इंसान एक मुसलमान है, मुसलमान है तो उस मुसलमान में अच्छे लोग भी रहते हैं, खराब लोग भी रहते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे लोग भी होते हैं। तो ये जिन जब मुसलमान होता है तो उसको जिन कहा जाता है, और यही जिन अगर काफिर हो जाए, कुफर की हालत में चला जाए तो उसको शैतान कहा जाता है। जैसे इंसान मुसलमान हो तो उसमें अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, और एक आदमी कुफर की हालत में है, काफिर बन जाता है, वैसे जिन्नात की मखलूक में जो कुफर की हालत में रहते हैं उसी को शैतान कहा जाता है। और ये जिन्नात जो अच्छे भी हो सकते हैं और अगर बुरे भी हो सकते हैं तो उसको जिन्नाती कहा जाएगा, और अगर वो कुफर की हालत में चले जाएं, अल्लाह का इनकार कर दें, नबुवत का इनकार कर दें, फिर उनको शैतान कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वमा खलकतुल जिन्न वल इंस इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नों और शैतान, जिन्नों और इंसानों को महज मेरी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। तो गोया जैसे इंसान अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान लाने के मुकल्लफ है और उसके भेजे हुए अंबिया कराम पर ईमान लाने के मुकल्लफ हैं, वैसे जिन भी मुकल्लफ हैं उनको भी अल्लाह ताला पर ईमान लाना पड़ेगा, उनको भी अमल करना पड़ेगा, उनको भी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना पड़ेगा। तो गोया अगर ये जिन अगर अल्लाह तबारक व ताला पर ईमान लाते हैं तो इनको अजिन्ना यानी जिन्नात कहा जाता है, और अगर ये अल्लाह तबारक व ताला का इनकार कर दें फिर उसी को हम शैतान के नाम से याद करते हैं। और जिन्नों को अल्लाह तबारक व ताला ने क्यों पैदा फरमाया, मकसद तखलीक क्या है, क्या जरूरत थी कि अल्लाह तबारक व ताला जिन्नों को पैदा फरमाए? तो जो मकसद इंसानों को पैदा करने का है बिल्कुल वही मकसद जिन्नों को पैदा करने का भी है। वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, इंसानों को क्यों पैदा फरमाया, उसकी इबादत की गर्ज से पैदा फरमाया, उसकी इबादत के लिए पैदा फरमाया। तो वैसे जिन्नों को भी अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। और अगर आपसे कोई पूछे ये जिन्नात की शक्ल सूरत क्या होती है, ये शैतान की शक्ल सूरत क्या होती है, इस सिलसिले में वादह तौर पर हमें कोई शक्ल तो नहीं बताई गई है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला के फरमान में थोड़ी थोड़ी झलकियां तो हमको मालूम होती हैं। जैसे अल्लाह फरमाता है वलकद दरअना लि जहन्नम कसीरन मिनल जिन्न वल इंस, हमने जहन्नम की खातिर बहुत सारे जिन और इंसानों को पैदा कर रखा है, लहुम कुलूब ला यफकहूना बिहा, उनके दिल हैं लेकिन दिल समझ नहीं पाते हैं, वलहुम आयुनुन ला युबसिरूना बिहा, उनकी आंखें हैं लेकिन उनसे देख नहीं पाते हैं, वलहुम उज़्न वलहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा, और अल्लाह तबारक व तआला ने कान अता फरमाया है लेकिन सुन नहीं पाते हैं। तो मालूम ये हुआ कि जैसे इंसानों के दिल होते हैं वैसे जिन्नात और शयातीन के भी दिल होते हैं, जैसे इंसानों के आंख होते हैं वैसे उनके भी आंख होते हैं, जैसे इंसानों के कान होते हैं वैसे उनके भी कान हुआ करते हैं। और एक हदीस के अंदर मजीद जरा सा वजाहत यह भी की गई है कि उनके सिंग भी हुआ करते हैं, जैसा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम फजर के सूरज तुलू होते वक्त और सूरज गुरूब होते वक्त तुम नमाज ना पढ़ो, इसलिए कि जब ये तुलू होता है तो शैतान के दो सिंगों के दरमियान में से तुलू होता है, जब गुरूब होता है तो शैतान के दो सिंगों के दरमियान गुरूब होता है। तो इससे ये बात मालूम हो रही है कि उन लोगों के सिंग भी अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमा चुका है। तो गोया खास पर्टिकुलरली उनकी कोई शक्ल शबात नहीं बताई गई, एक उमूमी तौर पर
कुछ अलामतें बताई गई, जैसे इंसान का दिल होता है उनका भी दिल होता है, इंसान की आंखें होते हैं वैसे उनकी भी आंखें होते हैं, जैसे इनके कान होते हैं वैसे उनके भी कान होते हैं, लेकिन मजीद यह है कि उनके पास जो है सिंह अल्लाह तबारक वतआला ने पैदा फरमाया। और जिन्हों के कई अकसाम हैं, आमतौर पर उलमाए कराम जिन्हों के तीन अकसाम बयान फरमाते हैं। एक किस्म वो जो परों वाले हैं, यानी जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने पर दे रखा है, उनके जरिए उड़ते फिरते रहते हैं, फजाओं में उड़ते रहते हैं। और दूसरी किस्म वो जो सांपों और कुत्तों की शक्लों में हुआ करते हैं। कुछ जिन ऐसे होते हैं जो हमेशा आम तौर पर सांप और कुत्तों की शक्लों में हुआ करते हैं, इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सांप को मारने से पहले उसको वार्निंग देने का ऑर्डर दिया है, वार्निंग देने का हुक्म दिया है कि तुम सांप को मारने से पहले उसको वार्निंग ये दो, अगर तुम जिन हो, अगर तुम जिन हो तो यहां से चले जाओ वरना हम तुम्हें मार देंगे। इस तरह की उसको पहले वार्निंग दी जाएगी। अगर वह जिन होगा तो फौरन वह गायब हो जाएगा, और अगर जिन नहीं होगा फिर उसी शक्ल सूरत में वो सांप की शक्ल में हमको नजर आता रहेगा, फिर उसको मारा जा सकता है। लेकिन अगर हम वार्निंग दिए बगैर उस सांप को मार दें, और अगर वो सांप के बजाय अगर वो जिन हो तो फिर इंसान पर हमला कर देगा और इंसान को फिर बहुत ज्यादा वो परेशान करता रहेगा। लिहाजा शैतान की ये जिन ये सांप की शक्ल में भी हो सकता है, और आमतौर पर काले कुत्ते की शक्ल में भी ये जिन हुआ करते हैं। और इसी तरह वो जिन जो खंडरात में पड़ाव डालते हैं, पुराने घरों में पड़ाव डालते हैं, और इसी तरह जंगलों में पड़ाव डालते हैं, बड़े घने दरख्तों में पड़ाव डालते हैं, और छोटी बिलों में सुराखों में पड़ाव डालते हैं, इनकी भी एक किस्म बयान की जाती है। तो गोया जिनों की तीन किस्में हो गई, एक किस्म वो जिनको अल्लाह तबारक व ताला ने पर दे रखा है वो उड़ते रहते हैं, दूसरी किस्म वो जो सांप और काले कुत्तों की शक्ल में हुआ करते हैं, और तीसरी किस्म वो जो आमतौर पर जो है पड़ाव डालते रहते हैं। तो दोस्तों ये जिनों के अकसाम हैं, और वो शैतान अकबर इबलीस भी जिन था जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का हुक्म दे रखा था, वकान मिनल जिन्नी, और वह इबलीस जिनों में से था। तो जो सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करने वाला, उसकी मखलूकात में सबसे पहले इनकार करने वाला, यही इबलीस अकबर शैतान अकबर जो जिनों में से था, उसी ने सबसे पहले इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया? तकब्बुर की वजह से इनकार किया। बारी ताला मैं उसके सामने कैसे झुकूं जिसको तूने मिट्टी से पैदा फरमाया है और तूने मुझे आग से पैदा फरमाया है। आग तो हमेशा आला हुआ करती है और ये मिट्टी जो है हमेशा अदना हुआ करती है, लिहाजा गुरूर और तकब्बुर ने उसको नाफरमानी करने पर मजबूर कर दिया। तो इस तरह वह इबलीस अकबर जो सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का इनकार कर दिया था, वो भी जिनों में से था। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया था कि तुम जन्नत में रहो, فَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ, तुम दोनों इस दरख्त के करीब न जाना, अगर तुम दरख्त को इस्तेमाल कर लोगे तो फिर तुम नाफरमानों में शुमार हो जाओगे। दरख्त के करीब जाने से मना किया था, लेकिन इसी जिन ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम को वसवसा पैदा करके गुमराह किया था। तो आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करने वाला सबसे पहले यही जिन था, और आदम अलैहिस्सलाम को गुमराह करने वाला यही जिन था, जो आमतौर पर जो है आज हमारे पास जो है याद किया जाता है। और जब दुनिया में भेज दिए गए आदम अलैहिस्सलाम, और अकवाम बढ़ते जा रहे हैं, यहां तक कि दुनिया में सबसे पहले शिर्क का आगाज करवाने वाला, शिर्क की बुराई को लोगों के दरमियान लाने वाला
यही जिन था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में ही आता है, आकर लोगों से कहता है भाई वध है, सुवा है, यगूस है, यऊक है, नसर है, ये कौन है तुम्हारे? लोग कहते हैं कि तो हमारे बुजुर्गान दीन हैं, ये हमारे बड़े लोग हैं, ये हमारे असलाफ हैं। तो ये उनसे पूछता है तुम क्या उनसे मोहब्बत करते हो? ये लोग कहते हैं कि हम कैसे मोहब्बत नहीं करेंगे, अरे वो तो हमारे नेक बुजुर्ग और असलाफ में से हैं, हम तो बहुत ज्यादा उनसे मोहब्बत करते हैं। तो उस वक्त जिन ने कहा था तुम कैसे मोहब्बत करते हो, उन्होंने ऐसे ही आमतौर पर कहा कि हम उनको याद कर लेते हैं। तो इसने कहा कि नहीं नहीं, ऐसे तुम भूल जाओगे और मोहब्बत खत्म हो जाएगी अगर तुम अपने असलाफ से ये वद है, यऊस है, यऊक है, यऊक नसर है, अगर तुम इनसे मोहब्बत करते हो, इनकी जरे शक्लें बना के रखो, इनके मुजस्मे बनाकर रखो ताकि तुम उनको देखते रहोगे, मोहब्बत के इजाफा होता रहेगा। ऐसे ही तुम छोड़ दोगे तो भूल जाओगे, लिहाजा तुम जो है इनकी मुजस्मे बना के रखो। लोगों ने मुजस्मे बना दिया और रख दिया, उनको रोजाना देख लेते और याद कर लेते, और इससे बढ़कर कुछ नहीं होता। एक नस्ल गुजर गई तो फिर यही जिन उनके पास आता है, आकर कहता है कि तुम कैसे इनसे मोहब्बत करते हो? उन्होंने कहा हम तो इनको रोजाना देख लेते हैं और अपनी याद ताजा कर लेते हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं, ऐसी जो है देखने से मोहब्बत नहीं हो सकती, जरा सा इनके सामने झुकना पड़ेगा। फिर एक नस्ल गुजर गई, उसके बाद आकर कहता तुम कैसे मोहब्बत करते हो? तो लोगों ने कहा हम इनसे झुककर मोहब्बत करते हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं, ऐसे मोहब्बत पूरी नहीं हो सकती, तुम्हें सजदा करना पड़ेगा, अपने माथे को जमीन पर टेकना होगा। तो इस तरह जो है वरगला कर सबसे पहले दुनिया में शिर्क का आगाज करने वाला भी यही जिन था, जो आमतौर पर जो है हमारे पास याद किया जाता है। और हाजरीन, ये जिन अपने तख्त को आमतौर पर पानी पर रखता है और ये पानी पर रहते हैं। तो इस तरह एक जिन जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इबलीस अपने अर्श को यानी अपने तख्त को कुर्सी को पानी पर डालता है, वहां पर बैठे हुए रहता है, ये अपने अपने मातातों को गुमराह करने के लिए भेजता रहता है। दिन भर इसके माता तीन जाकर गुमराह करके वापस आते हैं और शाम में रिपोर्ट करते रहते हैं, जो कुछ उन्होंने काम अंजाम दिया है उसके बारे में बताते हैं। कोई आकर कहता है कि मैंने फला काम किया, कोई आकर कहता है कि मैंने शराब पीने की आदत डाल दिया, कोई कहता है कि मैंने तालीम हासिल करने से रोके रखा। तो इन तमाम की बातों को सुनता है, खामोश बैठता है, लेकिन एक लंगड़ा जीना कर कहता है मैंने एक मियां बीवी के दरमियान तफर्रुका पैदा कर दिया, यहां तक के दोनों को आपस में जुदा भी कर दिया। तब ये इबलीस जो है खुश होकर उसको अपने गले लगाता है और उसको शाबाशी देता है। तो गोया जिनों का काम यह है कि मियां बीवी के दरमियान तफर्रुका पैदा करना, मियां बीवी में शकूक और शुबहात पैदा करना, मियां बीवी के एतमाद को दरहम बरहम कर देना, मियां बीवी को एक दूसरे से बुग़्ज़ और नफरत पैदा करना, यहां तक कि खुला और तलाक तक का मरहला लाकर पैदा करता है। तो हाज़रीन, आज हमारे माशरे के अंदर खुला और तलाक बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। तो इसकी बेसिक वजह यही है कि जिनों का उन पर गलबा होते जा रहा है और जिन अपना खेल खेलते जा रहा है, लेकिन लोगों को इस बात का एहसास नहीं है दोस्तों। और जिन एक ऐसी मखलूक है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के साथ लगा रखा है, हर इंसान के साथ अल्लाह तबारक व तआला ने जिन लगा रखा है, और वो उसको बुरे कामों की तरफ तवज्जो दिलाता रहता है, बुरे कामों की तलकीन करता रहता है, बुरे कामों के वसवसे पैदा करता रहता है। तो गोया जिन का काम ही यह है कि वसवसे पैदा करता रहे, गुनाहों की दावत देता रहे और गुनाहों को मुजयन बनाकर पेश करता रहे और गुनाहों में लज्जत उसको जो है पैदा करता रहे, यही उसका काम है। तो साहबा करम ने पूछा अल्लाह के रसूल, जब हर इंसान के साथ जिन हुआ करता है तो क्या आपके साथ भी जिन है? साहबा करम का क्वेश्चन जरा देखें आप,
जब हर इंसान के साथ जिन हुआ करता है तो क्या आपके साथ भी जिन है? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हां मेरे साथ भी जिन है, लेकिन वो अस्लमा यानी वो इस्लाम कबूल कर चुका है, मुसलमान जो है वो है, लिहाजा मुझे गुनाहों का वसवसा पैदा करने की ताकत उसके पास नहीं है। या यूं दूसरा माना ये भी हो सकता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसके शर से मुझे महफूज रखा है, मेरे साथ भी जिन है। एक माना यह कि वो मुसलमान हो चुका है, और दूसरा माना यह भी हो सकता है कि उसके शर से अल्लाह तबारक व तआला मुझे सलामत के साथ रखा है, महफूज रखा है, यह भी उसका माना पैदा हो सकता है। और हाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नों को बहुत ज्यादा ताकत का फरमाया है, बहुत वो कभी हुआ करते हैं, बहुत ही ताकतवर होते हैं, लम्हों में वो बड़े बड़े काम कर जाते हैं। जैसा कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि मलिक सबा के सिलसिले में बातचीत चल रही थी और उसको इस्लाम कबूल करने की दावत दी गई, और फिर वापस इधर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास वो आ रही थी, तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, कौन है वो जो मलिक सबा के तख्त को उठाकर मेरे पास लेकर आए? एक जिन ने कहा, ऐ सुलेमान, मैं जो है उस तख्त को आपकी यहां से उठने से पहले लेकर आऊंगा, आपके उठने से पहले लेकर आऊंगा। जरा देखिए आप कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिस मकाम पर हैं, यानी फलस्तीन में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हैं और मलिक सबा का वतन मुल्क यमन है, यानी दोनों के दरमियान तकरीबन 1500 किलोमीटर का फासला है, और ये कह रहा है कि आपकी यहां से उठने से पहले मैं लेकर आऊंगा, तो गोया 1500 किलोमीटर जाना, इतनी वजनी तख्त को लेना, फिर जो है पलट कर 1500 किलोमीटर आना, यानी 3000 किलोमीटर बस चंद मिनटों के अंदर जो है अंजाम देने का वादा कर रहा है। लेकिन दूसरे ने पलक झपकते ही वो मलिक सबा के तख्त को जो है उठाकर यहां पर जिन लेकर आता है। तो गोया पलक झपकने के दौरान 3000 किलोमीटर का फासला वो तय करता है और वहां से वो मलिक सबा के तख्त को लेकर आ जाता है। इससे पता ये चला कि जिन्हों को अल्लाह तबारक व तआला ने बेपनाह ताकत और कुव्वत अता कर दिया है, बहुत ज्यादा वो ताकतवर होते हैं। इसलिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तामीरी काम इन्हीं जिन्हों से लिया करते थे, वजनी काम जो इंसान नहीं कर सकते, इतने बड़े बड़े पत्थर उठाकर नहीं रख सकते, तो जो भी बड़े बड़े काम हुआ करते हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इन्हीं जिन्हों से जो है ये काम हासिल कर लिया करते थे। तो गोया अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बेपनाह ताकत अता कर रखा है, जिसकी वजह से ये अपने कामों को अंजाम देते रहते हैं। और इसी तरह जिनों को ये भी ताकत है कि वह इंसान के जिस्म में सरायत कर जाए, इंसान के जिस्म में सरायत कर जाए। जैसा कि हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान इंसानों के रगों में वैसे ही दौड़ता है जैसे खून इंसान के रग में दौड़ता है। जैसे इंसान के जिस्म में खून दौड़ता रहता है, वैसे शैतान इंसान के रगों में दौड़ता रहता है। ये शैतान भी क्या है? ये जिन ही तो है, जिन ही तो है ये भी शैतान। तो गोया मालूम ये हुआ कि जिनों को अल्लाह तबारक व तआला ने ये ताकत दे रखा है कि वह इंसानों के जिस्म में दाखिल होते रहे और फिर वह इंसान को जो है परेशान करते रहते हैं। हाजरीन, इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने इनको बेपनाह ताकत देने की वजह से ये लोग आसमान की बुलंदियों पर भी जो है जाते हैं, फदाओं में उड़ते रहते हैं। जैसा कि सूरज जिन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, वअन्ना लमसना समाअ, जिन कहते हैं हम आसमान के पास चले गए ताकि वहां से खबरें लेकर हाजिर हूं, लेकिन हमने देखा कि हम पर शिहाब-ए-साकिब बरसाया जा रहा है, हमको आसमान से करीब होने से रोका जा रहा है, हम समझ गए कि कुछ न कुछ दुनिया में गड़बड़ हो रही है, जाओ जरा देखो लो कि दुनिया में क्या तब्दीली आ रही है।
कौन से मंसूबे हैं जिसकी वजह से हमको आसमान की तरफ जाने से रोका जा रहा है। तो गोया सूरज जिन के जो है जिन्नात ये कहते हैं कि हम आसमान के पास जा रहे हैं तो हम पर शिहाब साकिब को बरसाया जा रहा है। तो इससे ये पता चला कि जिनों को फजाओं में और बुलंद होने और आसमान के करीब तक जाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला इनके अंदर वो ताकत और कुव्वत जो है अता फरमा चुका है। और इसी तरह ये जिनात इंसान का रूप भी इख्तियार कर सकते हैं, इंसान की शक्ल में भी आ सकते हैं। जैसा कि जंगे बदर के मौके पर हमें मालूम होता है, जंगे बदर के मौके पर जंगे बदर होने से पहले कुफारे कुरैश के पास जो है जिन सुराका बिन मालिक जो एक कबीले का सरदार था, उस सरदार की शक्ल में ये आकर कहता है कि तुम तो जीत कर रहोगे, तुम जंग जो है जीत कर रहोगे, लिहाजा वो जीत की खुशखबरी सुनाता रहता है और जंग के लिए वरगलाता रहता है। तो इंसान के रूप में जो है आ रहा है, लेकिन जब जंग शुरू हो जा रही है उधर मुसलमानों के साथ फरिश्ते आ रहे हैं, तो ये देखता है जैसे फरिश्तों को जो है देखा इसने, फौरन भागना शुरू कर देता है। लोगों ने देखकर पुकारा, सुराका तुम कहां भाग जा रहे हो, कहां भाग जा रहे हो? तो इसने कहा कि आज मैं वो मखलूक देख रहा हूं जो तुम नहीं देखते हो। तो गोया जंगे बदर में ये शैतान यानी ये जिन इंसान के रूप में कुफारे कुरैश को वरगलाने के लिए आया था, लिहाजा ये इंसान की शक्ल इख्तियार करने की अल्लाह तबारक इसको ताकत अता किया है। इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के जहां मशवरे हो रहे थे, जहां पर आपके कत्ल के मशवरे हो रहे थे, मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बातें पेश कर रहे थे, वहां पर भी जिन इंसान के रूप में आकर फला फैसला सही है, फला फैसला गलत है, इस तरह की बातें वहां पर कर रहा था। तो मालूम यह हुआ कि जिनों को ये ताकत हासिल है कि अगर वो चाहें तो इंसान के रूप को भी इख्तियार कर सकते हैं। हाजरीन, हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो जिन्नात का इनकार करते हैं और जादू का इनकार करते हैं, जिनों का इनकार कर रहे हैं, हालांकि अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है वमा खलक्तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिनों और इंसानों को महज मेरी इबादत के लिए पैदा किया है। जिन का वर्ड अल्लाह इस्तेमाल कर रहा है और इंसान का वर्ड अलग इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग जिन्नात का इनकार करते रहते हैं। इनसे पूछा जाए भाई जिनों का तुम इनकार क्यों करते हो, जिनों का इनकार क्यों करते हो? बस वो यही कहते हैं कि चूंकि जिन हमको नजर नहीं आते हैं लिहाजा हम इनका इनकार करते हैं। उन बेवकूफ जरा ये तो पूछें, फरिश्ते भी नजर नहीं आते हैं तो क्या फरिश्तों को तुम इनकार करोगे? इंसान की जान भी नजर नहीं आती है तो क्या जान का इनकार कर दोगे? इंसान की अकल भी नजर नहीं आती है तो क्या अकल का इनकार कर दोगे? ये हवा चलती हुई हवा भी नजर नहीं आती है तो क्या तुम हवा का इनकार कर दोगे? नहीं नहीं, जहां पर इकरार करने के लिए आंखों से देखना ही जरूरी नहीं, आंखों से देखकर ही तुम ईमान लेकर आओगे, ये जरूरी नहीं है। जन्नत भी हमारी आंखों को नजर नहीं आती है तो क्या जन्नत का इनकार हो जाए, इनकार करेंगे? और जहन्नम भी नजर नहीं आती है तो क्या जहन्नम का इनकार कर देंगे आप? पुल सिरात भी हमको नजर नहीं आ रहा है, क्या पुल सिरात का इनकार कर देंगे? लिहाजा सिर्फ नजरों को नजरों में ना आने की वजह से इनकार किया जाए, ये बिल्कुल बेवकूफी की बात हो जाएगी। हाजरीन, अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार मौके पर लफ्ज जिन का कुरान मजीद के अंदर इस्तेमाल कर दिया है। और फिर ये लोग कहते हैं कि नहीं नहीं, इंसानों में ही जो नाफरमान होते हैं उसको जिन कहते हैं, गलत बात है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है हमने इंसान को मिट्टी से पैदा फरमाया और जिनों को आग से पैदा फरमाया। जिनों को आग से पैदा करने के बारे में तज़किरा किया जा रहा है तो फिर इंसानों में से ही कैसे वो नाफरमान लोग जिन हो जाएंगे, जबकि इंसानों को तो अल्लाह तबारक व तआला ने मिट्टी से पैदा फरमाया है। तो लिहाजा इंसान में से जो नाफरमान उनको जिन कहना गलत बात है, इसलिए कि इंसानों में से जो नाफरमान है वो तो नजर आते हैं, हालांकि जिनका माना ही नजर ना आने के हैं, जिनका माना ही नजर ना आने के हैं,
लिहाजा ये सारी बातें बेकार बातें हैं। इस तरह की बातें करना यानी जिनों का इनकार कर देना, शैतानों का इनकार कर देना, गोया कुरान मजीद की बेशुमार आयतों का इनकार कर देना है और अहादीसे मुबारक का कभी इनकार कर देना है। हाजरीन आइए हम अल्लाह ताला से दुआ करें कि बारी ताला तो हम तमाम को शैतानों के शर से महफूज फरमा और हम तमाम को जिनों के जो नाफरमान जिन होते हैं उनके शर से महफूज फरमा। वाखुर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।